नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में बढ़ेगी गर्दी। बिहार समेत देश भर में खोले जाएंगे ट्रैफिक इको। बिहार बोर्ड के मैट्रिक का रिजल्ट हुआ जारी। कोरोना के माहौल में बसों से सफर करने के लिए करना होगा नियमों का पालन। देश में कोरोना ने तोड़े अब तक के सभी रिकॉर्ड। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। राजगीर ग्लास स्काई वॉक के लिए उमड़ी पर्यटकों की भीड़। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार हर संभव कोशिश करती नजर आ रही है। इस क्रम में हाल ही में बिहार के राजगीर में बने ग्लास स्काई वॉक ने पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, इसको देखने के लिए आने वालों का तांता भी लगना शुरू हो गया है, जिसको लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसके कारण अधिकारियों की चिंता भी गई है। खबरों की माने तो वर्तमान समय में एक दिन में जितने लोगों की क्षमता है उससे 2-3 गुना ज्यादा लोग इस स्काई वॉक का दीदार करने पहुंच रहे हैं, जिसके बाद ही अब यह निर्णय लिया गया है कि एक दिन में केवल 800 लोगों को ही स्काई वॉक पर घूमने की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सोन भंडार के पास ही पर्यटकों को रोकना शुरू कर दिया है, ताकि पर्यटकों को आगे जाने ना दिया जाए। बिहार समेत देश भर में खोले जाएंगे ट्रैफिक ई कोर्ट। अब लोगों को चालान की राशि जमा करने के लिए अदालतों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसको लेकर जल्द ही ट्रैफिक ई कोर्ट की शुरुआत होने वाली है, जिसके बाद अगर आपका चालान ट्रैफिक पुलिस के हाथों कटता है तो आप घर बैठे अब अपना चालान जमा कर सकेंगे। इसकी पहल केंद्र सरकार ने शुरू की है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने 25 राज्यों में 1,142 करोड़ रूपए का फंड जारी किया है। ई कोर्ट शुरू करने के लिए जुलाई 2021 तक की डेडलाइन दे दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार 7 राज्यों में सफलता के बाद बिहार समेत 25 राज्यों के लिए राशि को जारी करने के साथ ही ई कोर्ट की शुरुआत होने वाली है, जिसके बाद जब भी आपका चालान कटता है तो आपको 24 घंटे के अंदर अपना चालान ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा, जिसके बाद रसीद भी ऑनलाइन दी जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर आज होगी अहम बैठक। बिहार में पंचायत चुनाव करवाने की तैयारी हो रही है। हालांकि यह सारा मामला ईवीएम खरीदारी को लेकर अटका हुआ है, जिसके बाद सुनवाई का इंतजार हो रहा था। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर राज्य निर्वाचन आयोग के साथ आज आधिकारिक बैठक होने वाली है, जिसके बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि अगर दोनों संवैधानिक संस्थाओं के बीच कोई सहमति नहीं बनी तो 6 अप्रैल को पटना उच्च न्यायालय में पूरे मामले की सुनवाई होगी। आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि पटना उच्च न्यायालय में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मल्टीपोस्ट ईवीएम की आपूर्ति से जुड़े विवाद को लेकर दाखिल की गई याचिका पर मंगलवार यानी कि कल सुनवाई होनी है। जानकारों की माने तो आज आयोजित होने वाली बैठक में मल्टीपोस्ट ईवीएम की आपूर्ति को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र देने को लेकर चर्चा होगी। बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में बढ़ेगी गर्मी। अप्रैल महीने की शुरुआत हो गई है, वहीं गर्मी का प्रभाव भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस बार बिहार वासियों को गर्मी की मार ज्यादा झेलनी पड़ सकती है। मिली जानकारी के अनुसार इस बार की गर्मी से लोगों का बुरा हाल होने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 दिनों तक उत्तर बिहार की अपेक्षा राज्य के शेष भागों में अधिकतम तापमान 2 डिग्री अधिक रहेगा। मौसमविदों का कहना है कि वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पूरे प्रदेश में पूर्वा हवा का प्रभाव है, जबकि सतह पर स्थिति दूसरी है। दरअसल दक्षिण बिहार में अब भी 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से पछुआ हवा का प्रभाव देखा जा रहा है, जबकि उत्तर बिहार की बात करें तो पूर्वाई बह रही है। इन्हीं 2 तरफा हवाओं का ही असर है कि बिहार में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दक्षिण बिहार में मामला ठीक इसके उलट है। कोरोना के कारण एक बार फिर से शुरू होगी ऑनलाइन पढ़ाई। कोरोना की स्थिति बिहार समेत पूरे देश में बेहिसाब बढ़ती जा रही है। इसी बीच बिहार सरकार ने कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देख स्कूल कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थानों को एक बार फिर से बंद करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद से अब एक बार फिर से ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत होने वाली है। कई स्कूल ने तो आज से ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत कर भी दी है। हालांकि कई शिक्षण संस्थान इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। खबरों की माने तो स्कूलों की ओर से कक्षा और शिक्षकों का शेड्यूल बनाया जा रहा है। हालांकि सभी केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन पढ़ाई सोमवार यानी कि आज से शुरू हो चुकी है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे रविंद्र प्रभात की। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जिन्होंने समय समय पर अपने काम के माध्यम से बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है। इसी कड़ी में हम आज एक ऐसे ही शख्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने लेखन से बिहार का नाम ऊंचा किया है। आज हम बात करेंगे रविंद्र प्रभाकर की। रविंद्र प्रभाकर का जन्म आज ही के दिन साल 1969 में बिहार के सीतामढ़ी जिले में हुआ था। रविंद्र प्रभात भारत के एक हिंदी उपन्यासकार, पत्रकार, कवि और लघु कथाकार हैं। उन्होंने एक संपादक और स्क्रीन प्ले लेखक के रूप में काम किया है। उनकी कुछ रचनाओं को अन्य भाषाओं में अनुवादित भी किया गया है और विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाओं और मानव विज्ञान में प्रकाशित किया गया है। बिहार में बिना भूमि बंदोबस्ती वाले मंदिरों से आय नहीं होने की कही गई बात। बिहार में मंदिरों से होने वाली कमाई को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। धार्मिक न्यास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष किशोर कुणाल ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार में
बिना भूमि बंदोबस्ती वाले मंदिरों से आय नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि लगभग 10 साल धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रहने के बाद कई मंदिरों के अतिक्रमण किए और असामाजिक तत्वों से मुक्त कराने का काम किया है। राजधानी में असामाजिक तत्वों द्वारा सड़क के किनारे हड़पे गए जमीन पर मंदिर बना दिया गया है। उस मंदिर से उतनी आय तो नहीं प्राप्त होती है, लेकिन इस मंदिर पर रहने वाले पुजारी और आसपास के लोग पूजा जरूर करते हैं। बिहार बोर्ड के मैट्रिक का रिजल्ट हुआ जारी। मैट्रिक परीक्षार्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है, जिसके बाद ही आज रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 के परीक्षाफल की घोषणा शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने रिजल्ट की घोषणा की, जिसके बाद अब बिहार बोर्ड दसवीं की परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपना रिजल्ट बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट onlinebsceb.in और biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। सभी परीक्षार्थी हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि बिहार बोर्ड दसवीं की परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 30% अंक लाना जरूरी है, जिसके बाद अगर कोई ऐसे छात्र हैं जो एक या दो विषय में 30% से कम नंबर लाते हैं तो उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने का मौका भी दिया जाएगा। कोरोना के माहौल में बसों से सफर करने के लिए करना होगा नियमों का पालन। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब BSRTC की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश को जारी किया गया है, जिसके तहत BSRTC के 50 सिटी बसों के निरीक्षण का काम किया गया है। उसके बाद खड़े यात्रियों को बस में चढ़ने से रोकने के साथ साथ बिना मास्क के यात्रा कर रहे 45 लोगों से जुर्माना भी वसूला गया है। इसके साथ ही बस में सफर करने वाले यात्रियों को मास्क अनिवार्य रूप से पहनने की सलाह दी गई है। मुख्य सचिव और DGP के द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक सोमवार से BSRTC के सिटी बसों में केवल 50% टिकटों की ही बुकिंग की जाएगी। इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते माहौल को देखते हुए प्राइवेट बसों को भी 50% सीटों पर ही पैसेंजर को बिठाने का आदेश जारी किया गया है। पटना के बाद सबसे बड़े शहर के रूप में दरभंगा के होने की कही गई बात। हाल ही में जल संसाधन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री संजय झा ने शहरों को लेकर अपनी बात रखी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पटना के बाद दरभंगा सबसे बड़े शहर के रूप में सामने आ रहा है। एयरपोर्ट के बाद अब जिला और आसपास के लोगों को जल्द ही आधुनिक संस्थान सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चिकित्सा का लाभ मिलने वाला है। एम्स निर्माण को लेकर भी जोर शोर से तैयारी चल रही है। दरभंगा की स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। अब बिहार के प्रतिभाशाली लोग भी इसे विकल्प के रूप में तो देख ही रहे हैं, रोजगार के नए अवसर की तलाश में भी अब युवा बाहर नहीं जाना चाहते हैं। विधानसभा में हुई मारपीट पर तेजस्वी यादव ने जारी किया पत्र। 23 मार्च को सदन में विपक्ष और पुलिस के बीच हुए वाकया के कारण सरकार और विपक्ष एक दूसरे के धुर विरोधी बनकर घूमते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ विधानसभा में हुए वाकये की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, वहीं इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने 23 मार्च को हुए वाकये पर पत्र जारी किया है। 2 सप्ताह पहले हुए इस वाकया को लेकर तेजस्वी ने 2 पन्नों का एक लेटर जारी किया है, जिसमें उन्होंने विधायकों के साथ की गई हिंसा का जिक्र किया है और साथ ही लिखा है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वह सही नहीं था। उस घटना के जो भी लोग दोषी हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार की यही कोशिश थी कि विधानसभा को जालियांवाला बाग बना दिया जाए। बंगाल में प्रचार रोके जाने पर शाहनवाज ने दिया धरना। बिहार के उद्योग मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बंगाल प्रशासन को लेकर नाराजगी जताई है। कारण ये रहा कि रविवार को बंगाल की पुलिस ने शांति भंग की आशंका जताते हुए चुनाव प्रचार करने से उन्हें रोक दिया था। उस वक्त शाहनवाज हुसैन हावड़ा के ब्रांका खेजूर तला में पार्टी के उम्मीदवार राजीव बनर्जी के समर्थन में सभा को संबोधित करने जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज शाहनवाज हुसैन ने वहीं पर धरना देना शुरू कर दिया था। इसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत भी कर दी है, हालांकि बाद में उन्हें पुलिस ने आगे जाने दिया। IPL इतिहास के 5 बेस्ट बल्लेबाज का नाम बताया आकाश चोपड़ा ने। IPL में हर बार चौकों और छक्कों की बरसात देखी जाती है। हर सीजन में नए और धाकड़ बल्लेबाज अपने बल्ले के दम पर अपनी नई पहचान बनाते हैं। वहीं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी आकाश चोपड़ा ने अपना बयान जारी किया है। साथ ही IPL के इतिहास के 5 बेस्ट बल्लेबाजों का नाम साझा किया है, जिसके तहत उन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर किए गए वीडियो में IPL इतिहास के 5 बेस्ट बल्लेबाजों को चुना। उन्होंने अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर विराट कोहली, एबी डिविलियर्स सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर, सुरेश रैना और 5वें नंबर पर मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को IPL का बेस्ट बैट्समैन बताया है। रेखा ने नेहा कक्कर के लिए लिखी चिट्ठी। रेखा ने हाल ही में वीकेंड पर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के सेट पर पहुंची थी, जहां सभी उनकी अदाओं से लेकर खूबसूरत
व्यक्ति तक को देखकर कायल हो गए थे। शो में पहुंची रेखा ने कई पुरानी यादों को भी साझा किया, जिसके बाद नेहा कक्कड़ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर बताया कि रेखा ने उन्हें अपने हाथों से लिखा एक नोट दिया। रेखा ने उन्हें और रोहनप्रीत सिंह को शादी की बहुत बहुत बधाइयां दी हैं। रेखा ने जो नोट लिखा है वो हिंदी में है। उन्होंने नेहा के लिए लिखा कि मेरी प्यारी नेहू, रोहन की प्रीत, जिन्हें आपने किस्मत की लकीरों से चुराया है, मेरी प्रार्थना है कि माता रानी, वाहेगुरु और दुनिया के सारे देवी देवता आप पर ढेर सारा आशीर्वाद बरसाएं और आप दोनों को सुरक्षित रखें। आप दोनों के लिए शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, खुश रहो, सदा सुहागन रहो, प्यार और दुआओं के साथ। देश में कोरोना ने तोड़े अब तक के सभी रिकॉर्ड। देश में एक बार फिर से कोरोना की लहर बढ़ रही है। अब आ रहे मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में अब तक के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,33,058 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अब देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,25,89,067 हो गई है, जबकि अब तक 1,65,101 लोगों की जान जा चुकी है। देश में दिन पर दिन एक्टिव केस बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी संख्या अब 7,41,830 हो गई है। कल कोरोना से 52,847 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश में ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,16,82,136 हो गई है। सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जिसके बाद महाराष्ट्र जिले में शुक्रवार से सोमवार तक का लॉकडाउन लगाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के कारण ऑनलाइन माध्यम से फिर से पढ़ाने का फैसला सही है या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।